हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान और आप सबको मेरी नमस्ते। आज हम बनाएंगे ये मूंगफली से नमकीन जो बाज़ार में मिलती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम इसकी पकौड़ी बनाएंगे बेसन में, मूंगफली की पकौड़ी। तो पहले हम इसको गीला करेंगे, मूंगफलियों को, जो कि इसमें बाद में अच्छी तरह मसाला चिपक सके। पहले हम इसको गीला करेंगे। अच्छी तरह इनको गीला कर लेंगे। और इनको जो है 10 मिनट के लिए गीला छोड़ देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको मूंगफलियों को इसमें पलटेंगे और इसमें अब मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने एक टेबल स्पून जो है ये चाट मसाला लिया है, इसमें से अभी आधा डालेंगे, आधा बचा लेंगे। ये आधा टेबल स्पून जो है काला नमक लिया है, ये हम सारा डाल देंगे। ये एक चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसमें से थोड़ा डालेंगे, थोड़ा रख लेंगे, बाद में डालेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है, ये थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालूंगी, हाफ से भी आधा कम चम्मच। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी। अब हम इनको, ये मैंने हाथ साबुन से वॉश कर लिए हैं, अब इनको हम मसालों को मिक्स करेंगे। और इनको मैं मिक्स करके मसालों को अभी इनको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि मूंगफली में अच्छी तरह से मसाले की कोटिंग हो जाए। उसके बाद जो है फिर हम बनाएंगे आगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। ये 1 कप मैंने बेसन लिया है, बेसन डालेंगे। ये चावल पाउडर है, ये डालेंगे। ये 3 चम्मच लिए मैंने। धनिया पाउडर डालेंगे। ये भुना हुआ जीरा डालूंगी और फिर से हम ये लाल मिर्च डालेंगे और फिर से हम ये चाट मसाला डालेंगे। अब इनको मिक्स करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसको हम जो है थोड़ा ऐसे रखेंगे जो ये कोटिंग हो जाए और सूखा सूखा सा रहे, ज़्यादा गीला नहीं करना है। ये देखिए ऐसे रखना है, इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस ऐसे सूखा सूखा रखना है मूंगफलियों को। अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे मूंगफली की। अब इसको हम 10 मिनट और रखेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे फिर। अब देखिए हम ये पहले तेल गरम करेंगे, तेल को पकाएंगे और उसके बाद फिर हम डालेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं ये मूंगफली रखे हुए।
अब ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें पहले एक मूंगफली डाल के देखेंगे। इसका मतलब तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है और ये हमें सिम फ्लेम पे बनानी है, तेज फ्लेम पे नहीं बनानी। अब हम इसमें डालेंगे, ऐसे करके डाल देंगे। देखिए खस्ता करारी अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है। अभी हम इसको निकालेंगे। फिर डालेंगे थोड़ी थोड़ी डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है इसमें, एक लॉट में थोड़ी ही डालेंगे। और इसको स्लो फ्लेम पर ही बनाएंगे, तेज पे जल जाएंगी और वह अंदर से फिर कच्ची भी रह जाएंगी, इसलिए इसको स्लो फ्लेम में ही हम बनाएंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इनको निकाल लेंगे। फिर डालेंगे थोड़ी थोड़ी डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है इसमें, एक लॉट में थोड़ी ही डालेंगे। और इसको स्लो फ्लेम पर ही बनाएंगे, तेज पे जल जाएंगी और वह अंदर से फिर कच्ची भी रह जाएंगी, इसलिए इसको स्लो फ्लेम में ही हम बनाएंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये सारी बन गई हैं और अब हम इनको भी निकाल लेंगे जो लास्ट की है। ये देखिए हमारी बहुत ही स्पाइसी मूंगफली तैयार हो गई है बाजार जैसी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके बाय, आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।